हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एटिट चैनल खेल स्टेशन। तो दोस्तों, आज का हमारे यहाँ पे जो मैच होने वाला है वो ये हमारा होगा। यहाँ पर को एक तरफ आपको नजर आएंगे KGF और एक तरफ आपको यहाँ पे नज़र आते हैं RRR। ठीक है, सो राणा, रिंकू, आप यहाँ पे बोल सकते हो रसल, और एक तरफ आपको बताया KGF हमारी पहले से। तो मैच ये काफ़ी ज़्यादा एक ब्लॉकबस्टर होने वाला है, क्योंकि एक तो पहले देखो मैच होगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर पे। उधर से रसल इन्फॉर्म आपको नज़र आएगा, ठीक है। रिंकू सिंह तो मेरे को अभी तक हमेशा इन्फॉर्म ही यहाँ पे नज़र आया। तो ये मैच काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग हो सकता है, एंड में भी हो सकता है कि जो अर्थवी ना वो फिर अपना दोबारा से यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करे। सो देखने वाली बात है। सो चलिए बात करते हैं सबसे पहले गाइस आज की हमारी मैच की। तो मैच में देखो, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आपको मैच एनालाइज, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड के डाटा, बॉलर्स के यहाँ पे विकेट्स, वेन्यू के रिकॉर्ड, और यहाँ पे आपको सारे प्लेयर्स के डिटेल मिल जाएंगे, साथ में आपके लिए यहाँ पे गिव भी रहेगा। ठीक है, सो अब यहाँ से बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से, वो जाके जुड़ जाना। आपको IPL के साथ साथ जो अदर्स वहाँ पे मैचेस चल रहे हैं ना, लाइक वहाँ पे वुमेन के कोई मैचेस चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स के, या फिर आप शाम को देखोगे साउथ अफ्रीका वुमेन है, तो सारे मैच वहाँ पर कवर हो रहे हैं, और गाइज वहाँ पे क्लीन स्वीप भी हो रहे हैं। तो इसलिए जो लोग नहीं जुड़े जुड़ जाना, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक छोटा सा काम और करना है दोस्तों आपको, वो करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जिन्होंने अभी तक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। और इस वीडियो में जो गिवी रहेगा उसके लिए आपको करना क्या है, वो अभी से बता देता हूँ आपको। गाइस ये वीडियो को पूरा देखना है और अपने 3 दोस्तों के साथ गाइस ये वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। बाकी जो कल का था वहाँ पर कोई विनर नहीं थे, लेकिन आज वाले उसमें विनर हैं, और जो विनर है ना वो तीनों के यहाँ पे अमाउंट पेड हो चुके, उनके यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट आपको कल वहाँ पे लगा दूंगा। अब चलते बात करेंगे हमारी आज की पिच की, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर पे। ठीक है, ये तो मेरे को लगता है हर बच्चे बच्चों को पता चल गया होगा कि एक यहाँ पे शॉर्ट बाउंड्रीज है और यहाँ पे एक बैक फील्डिंग यहाँ पे होता है। लेकिन अभी अगर बात करूँ यहाँ पर जो 176 है या फिर 197, तो ये ना इसके जो बैंगलोर के औकात है ना उसके हिसाब से नहीं आए। जो अगर बात करूँ यहाँ पर को 205 226 इस तरह के यहाँ पे रन आए ना, तभी समझो कि हाँ अभी वो है पुराना वाला पिच बैंगलोर का। सो अभी यहाँ पर को कभी कोई मैच में यहाँ पे लो स्कोरिंग हो रही थी। सो इसके बाद बात करूँगा टोटल मैच की, तो 156 आपको देखने को मिल जाता है। बैटिंग फास्ट में 69 और चेजिंग वाली टीम में 85। सो यहाँ पे चेस थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है। एंड अगर बात करूँ ये वाला मैच अगर आप देखो तो यहाँ पे भी चेस हुआ है, इसके अपने 197 वहाँ पे भी चेस हुआ है। बिलो स्कोर की बात करें 150 के नीचे तो आपको नजर आएगा 48 टाइम्स है, उसके अंदर 150 टू 170 35 टाइम्स, 170 टू 190 31 है, और 190 के अगर आप ऊपर जाओगे तो 42 टाइम्स आपको स्कोर देखने को मिलेगा। देखो अभी पिच कोई ज़्यादा पुरानी तो हुई नहीं है, तो इसलिए फ्रेश पिच है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 190 के ऊपर ही जा सकता है आराम से स्कोर, चाहे टीम कोई भी यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करे, ठीक है। इसके बाद करें एक चीज़ और, KKR की बॉलिंग में भी ना मेरे को कुछ ऐसा कदम दिखानी जो यहाँ पे RCB को रोक दे। वहाँ पे वो CSK थी, ठीक है, वहाँ पे उनके पास बॉलर अच्छे, वहाँ पे फिर आपको पता है थाला भी वहाँ पे बैठा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें। बात करते हैं अब यहाँ पे जो लास्ट के 6 मैचेस में 47 विकेट यहाँ पे मिले पेसर्स को, स्पिनर्स को यहाँ पे विकेट्स मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही मतलब जब बुरी हालत हो जाती है ना स्पिनर्स की उसके बाद मिलते हैं, लेकिन आपको मतलब किससे, आपको विकेट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। अब अभी आपको बताऊंगा कौन से स्पिनर्स से यहाँ पे आपको विकेट्स निकाल के देखे जाएंगे, मेनली आपको पेसर्स ही दिखेंगे। हाई स्कोर यहाँ पे 263 ये भी टूट चुका है, ठीक है, ये इनका एक रिकॉर्ड था, माइलस्टोन था, जो अभी तक का IPL का सबसे हाइस्ट था, वो यहाँ पे कल के मैच में टूट गया। और आपने देखा क्या गजब का पहला वहाँ पे SRH ने MI को। सो अब यहाँ से बात करते हैं फिर जो हमारा लास्ट मैच खेला गया यहाँ पे पंजाब के साथ में। सो अब पंजाब ने भी यहाँ पर को माना कि जहाँ पर को कोहली का वहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ वहाँ पर को मैच वहाँ पे हार चुके थे, ठीक है। सो आई थिंक वहाँ पर को 0 पे ड्रॉप हो गया था कोहली का कैच, उसके बाद में फिर वहाँ पे जो 77 रन की जो पारी आई है किंग कोहली की, सो गजब वाली पारी थी। उस पारी में ऐसा नहीं था कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव वाली, वो एकदम चौके छक्के वाली यहाँ पे पारी थी। सो मेनली यहाँ पर आप देखोगे पेसर्स को यहाँ पे विकेट्स मिले हैं, बहुत ही कोई रेयर मैच आपको नजर आएगा जहाँ पर स्पिनर्स के विकेट हैं, लेकिन ये वाला मैच कौन सा, KKR वर्सेस RCB का, और यहाँ पर आपको सुयास शर्मा, वरुण चक्रवर्ती ऐसे बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। इसके बाद करूँ फिर यहाँ पे RCB GT था, तो यहाँ पे भी पेसर्स ही काम आए थे, स्पिनर्स नाम मात्र आपको बोल सकते हो, ठीक है। सो मेनली यहाँ पे आपको बैक करना है क्या, पेसर्स को, लेकिन KKR वाले में मैच में क्या हुआ, 7 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स को मिले हैं, तो आप इस वाले उसमें लेके जाओगे, क्योंकि उनकी जो मेन स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे सुयास, वरुण चक्रवर्ती आपको नजर आएंगी। हेड टू हेड की बात करूँगा, 14 मैच यहाँ पे जीते हैं 32 में से, और यहाँ पे 18 मैच जीते KKR। सो मैंने अभी तक देखा कि RCB मतलब किससे यहाँ पे ज़्यादा जीती नहीं है, कहीं भी अगर हेड टू हेड देखूँ तो पीछे ही रहती है, कोई ऐसा टीम हो जिसके आगे वहाँ पे उसके ज़्यादा अच्छे बैटल हो तो अच्छा लगता है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर को हमारे बॉलर्स के टाइप, यहाँ पे देखो राइट आर्म फास्ट को यहाँ पे मिले 5 विकेट, लेकिन जो मीडियम फास्ट है ना उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकेट यहाँ मिलते हैं 23 विकेट। एंड अगर बात करूँ स्पिनर्स की, तो लेग ब्रेक जो बॉलर है उसको यहाँ पे 13 विकेट यहाँ पे मिले हैं।
अब यहाँ से आगे चलेंगे तो आप देखोगे ये हमारे हेड टू हेड का मैच था जहाँ पर ड्रीम टीम ये बनी थी, जगदीश सर, जसर रॉय, विराट कोहली, नीतीश राणा, लॉन्गरोड अय्यर, आंद्रे सर, हसरंगा, सिया शर्मा, विजय कुमार एंड वरुण चक्रवर्ती। सो दोस्तों ये एक हमारा मैच हुआ था जहाँ पे ड्रीम टीम की है एकदम, आप देख लो 1 करोड़ वाली टीम है। सो अगर आप चाहो इसको भी यहाँ पे लेके जा सकते हो। अब यहाँ पे देखो कुछ चेंजेस कर सकते हो, लाइक विजय कुमार की जगह पे आप सिराज को बैक करके जा सकते हो, हसरंगा वानी तो वहाँ पे उनका एक स्पिनर्स को बैक करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लेके जाना और एक टीम ऐसी बना लेना। बाकी आपको मैं और बताने वाला हूँ जो टीम है। अब यहाँ पे देखो हर्षल पटेल तो अब इस टीम का हिस्सा है नहीं, ठीक है, तो पहले नाम हटा दें। और यहाँ पे देखो नारायण आपको देंगे अय्यर, नीतीश राणा, ठीक है, बाकी उसके बाद में वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे सर। आंद्रे सर हमेशा यहाँ पे परफॉर्म करके चले जाता है, अभी जिस तरीके उसका परफॉर्म चल रहा है ना फॉर्म, तो काफ़ी अच्छा जबरदस्त है, आपको डेथ में आपको आएगा, बॉलिंग कराते और वहाँ पर विकेट निकाल के जा सकता है। बनी दो हसरंगे भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, ओनली काकाश दीप आपको यहाँ पे नजर आते हैं, और यहाँ से आपको विराट कोहली यहाँ पर आपको नजर आएंगे, और यहाँ पर सो कोई बड़ा स्कोर यहाँ पर को नहीं कर पाए हैं हेड टू हेड के बेस पे। लेकिन जो एक चौंकाने वाला नाम है वहाँ आपको नजर आएगा सुनील नारायण, और सुनील नारायण ही अगर आपको कहीं और नहीं दिखेगा ना, लाइक अगर यहाँ पे तो खैर दिख ही रहा है, लेकिन उसके बाद देखो वहाँ पर आपको स्पिनर्स दिख जाएंगे, लाइक यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती या फिर सुया शर्मा, 7 विकेट अकेले निकाल के गए हैं ये, ठीक है, आरसीबी के। तो आप देख लो गाइस स्पिन के आगे जो आरसीबी है वो काफ़ी यहाँ पे फंसती है केकेआर के स्पेशली, तो यहाँ पे भी दोबारा से वही प्लान रहेगा कि यहाँ पे स्पिन को सेटअप करेंगे और वहाँ पर वो काम करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ से आरसीबी की प्लेइंग 11, फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीम, दिनेश कार्तिक, अल्जारी जोसफ, फिर यहाँ पे मयंक डागर आपको नजर आएंगे, मोहम्मद सिराज, जस दयाल एंड अनुज रावत। सो अभी यहाँ पर आपको देखो जो मैं आपको कहूँगा जो मेन हमारे बॉलर रहेंगे अल्जारी जोसफ, मयंक डागर 2, सिराज 3, उसके बाद में हमारे यस दयाल 4, 5 ऑप्शन हमारा है कैमरन ग्रीन का, ठीक है। सो ये हमारे 5 रहेंगे, बाकी आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन होना नहीं है, ठीक है, बस इतने ही रहेंगे। बाकी करण शर्मा आएगा तो भी आपको बैटिंग से मैं बोलूँगा, इतना बॉलिंग से वो भी खास काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर पिच ज़्यादा स्पिन होती है तो ही यहाँ पे करण शर्मा आएगा, लेकिन अभी मेरे को लगता नहीं कि बैंगलोर की पिच को इतना स्लो करेंगे यहाँ पर। अब चलते बात करेंगे फाफ डू प्लेसिस, तो दोस्तों ये एक ऐसा प्लेयर है जो कंसिस्टेंट रन बनाता है लेकिन लास्ट के 2 मैच यहाँ फ्लॉप हुआ है, सो आज के मैच यहाँ पे चलेगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई रन बना के जाएगा, तो अगर आप चाहो तो इसको सीवीसी करके जा सकते हो। बात करते हैं विराट कोहली की, सो विराट कोहली यहाँ पे देखो लास्ट मैच आपको दिख गया एक छोटी सी गलती ओपोजिशन की टीम से और वहाँ पर को काफ़ी भारी वहाँ पे बढ़ गई, उन्होंने मैच वहाँ पे हार गए थे वो, तो यहाँ पर एक अच्छी फॉर्म पे नजर आ रहे हैं, मोमेंटम अच्छा है। और विराट कोहली अगर बात करूँ कॉन्फिडेंस की, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ देखो बढ़िया है, एवरेज अगर आप बात करूँ मैं वेन्यू पे 39 का और हेड टू हेड बात करूँ 35 का। इसके बाद आगे चलते हैं रजत पाटीदार, ये चल रहा है फ्लॉप, ये मैंने आपको लास्ट मैच बोल दिया था, इसका कहीं ना कहीं जो टेस्ट वाली पारी है ना वो यहाँ पर को रेप्लिकेट हो रही है 0, और फिर यहाँ पर को 18 रन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल की बात करूँगा, सो लास्ट मैच आप देखोगे इसको यहाँ पे मिले थे 2 विकेट, और ये एक ऐसा वेन्यू अब जिस तरीके से आपने देखा जब भी इनके हेड टू हेड के मैचेस हुए तो यहाँ पर स्किन स्पिन वहाँ पर बनाया गया। अब देखो आरसी वालों को भी पता है कि हमको स्पिन से दिक्कत है तो वो ऐसा काम तो करेंगे नहीं, वहाँ पिच को स्पिन बनाएंगे, ठीक है, तो पिच वहाँ पर मेरे को लगता है पेस वाली यहाँ पर रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी ग्लेन मैक्सवेल को यहाँ पर ओवर मिल सकते हैं, भले वहाँ पर कम ओवर में, लेकिन वो 1-2 ओवर में ही काम करके चला जाएगा, तो मैक्सवेल हमारे लिए मस्ट पिक रहेगा। इसके बाद कैमरन ग्रीन, लास्ट मैच भले ही विकेट नहीं मिला लेकिन एक इंपॉर्टेंट विकेट बन जाते हैं। अब देखो विराट कोहली जो टीम है ना हमारी आरसीबी की टीम, वहाँ से आपको कुछ ही प्लेयर ऐसे मिलेंगे जो आपको मस्ट पिक यहाँ पे लेके जाने हैं, बाकी इनके पास फिर प्लेयर भी नहीं है, लेकिन एक इस बार पंट और निकल के आ रहा है वो यहाँ पर को डीके। अब वो क्या आपने नोटिस करा होगा जब भी यहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ है ईयर T20 वर्ल्ड कप ईयर, ये बंदा फॉर्म में आता है, लास्ट मैच देख लो 38 नॉट आउट, फिर यहाँ पे 28 नॉट आउट, और गाइस जहाँ पर कोई ये बैटिंग कर रहा था ना किसी को उम्मीद नहीं थी, मैं आपको गाइस वहाँ पे लिख के दे दूंगा, कोई यहाँ पे उम्मीद लगा के नहीं बैठा होगा इस मैच को यहाँ पे डीके जिता के जाएगा। सो गाइस डीके ने जो पारी खेली, जो पीछे का छक्का फिर आगे के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड के 4, वो कहाँ देखने मिलते हैं डीके के बल्ले से, ठीक है, मतलब पहले एक टाइम पे देखने मिलते थे जब डीके मतलब एक अच्छी फॉर्म पे वहाँ पे खेल रहा होता था, लेकिन अभी आईपीएल में मैंने इसको नहीं देखा था, लास्ट दिन तो आप भूल जाओ एकदम भी, ठीक है, तो अभी यहाँ पर को बहुत अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस देखे जा रहे हैं, लेकिन वही उसके छोटे यहाँ पे कैमे होंगे और वो आपकी फैंटेसी टीम को इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। हाँ ये हो सकता है कि आपकी कोई जैसे 1 करोड़ वाली कोई यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम चल रही है, वहाँ पर अगर आपने दिनेश कार्तिक को नहीं लिया बस आपकी रैंक थोड़ी वहाँ पर पीछे हो जाएगी, थोड़ी क्या वहाँ पर बहुत पीछे हो जाती है, तो वहाँ पर करेगी, बाकी स्मॉलिंग में ऐसा कुछ खास खतरा नहीं है। अनुज रावत की बात करूँ, अनुज रावत का जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा नीचे रहता है, इसलिए मैं आपको कहूँगा ड्रॉप करने के लिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पर 48 है तो कल वहाँ पर आपने देखा किस केस में आए थे, पूरा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ था, और ये चीज़ मैंने जब आपको बताई है जब पूरा टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा तो आपको तभी यहाँ पे 5-6 रन मार के बैट्समैन को बैक करना है। फिर ऐसे बात आती है यस दयाल की, अभी तक विकेट्स निकाल के जा रहा है, लेकिन गाइज एक मैच ऐसा आएगा
यहाँ पर कोई बंचेस में विकेट निकालेगा, तो देखते रहो, ट्राई करते रहो अपनी ग्रैंडी की टीम से, ठीक है। आज के मैच तो खैर इतना है, मेरे को नहीं लग रहा है विकेट्स मिलेंगे इसको, आज पिटाई भी हो सकती है क्योंकि इनके जो पुराने मित्र हैं आज वो रिंकू सिंह, वो आपको देखने को मिलेंगे आज। अब इसके बाद करूँगा मोहम्मद सिराज की, तो जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट मैच मस्ट पिक यहाँ पे रहेगा, दो विकेट वहाँ पे निकाल के गया, ठीक है। सो इसलिए आपको बोलता हूँ भाई, जब भी आप वीडियो देखो उसको पूरा देखो। अब ओनली मैं आपको लिए गिवे के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये, ठीक है, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी और काफ़ी चीज़ें आप सीख पाओगे। मैं अगर की बात करूँ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इसको यहाँ पे ना तो इतनी हेल्प है कुछ खास और यहाँ पे फॉर्म भी नहीं है। फिर ऐसे बात आती है अल्जारी जोसफ की, तो अल्जारी जोसफ भी गई, आप देखो यहाँ पे इसने पहला गेयर यहाँ पे लगा दिया है, गाड़ी इसकी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, पहले यहाँ पे न्यूट्रल में थी, यहाँ पे पहला गेयर लगा, तो आज आप मेरे को बताओ आज कौन सा गेयर यहाँ पे लगाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आज इसके कितने विकेट आने वाले हैं। ये गिवे वाला क्वेश्चन नहीं, बस ऐसा नॉर्मली आपसे पूछ रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ से सियास प्रभुदेसाई, महिपाल लोमरोर, करण शर्मा, स्वप्निल सिंह एंड वी कुमार व्यसक आपको देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे इनके पास बॉलर्स आपको यहाँ पे दिखते हैं वी कुमार व्यसक है, ठीक है, आकाशदीप भी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, अभी इंपैक्ट में, लेकिन बैटिंग से महिपाल लोमरोर को यहाँ पे बुलाया जाएगा या फिर सुयास प्रभुदेसाई को, क्योंकि इन्होंने भी लास्ट जन एक अच्छा यहाँ पे काम करा था। अभी इसके बाद बात करते हैं हमारे गिवे क्वेश्चंस की, तो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स फॉल इन बोथ इनिंग्स, तो आपको बताना है कितने यहाँ पे विकेट्स गिरेंगे। शुरुआत में मैंने दिखाया था कुछ चीज़ें, ठीक है, वहाँ पे पिच को लेके और रिसेंट स्कोर कार्ड दिखाया था, वहाँ से भी अगर आपको आइडिया मिल जाएगा बहुत। इसके बाद बात करते हैं विच प्लेयर हिट मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर फ्रॉम बोथ टीम्स, ठीक है, मतलब दोनों टीम जैसे आपको बताना कौन यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फोर मारेगा, फोर ही बताना, ये मत बोल देना कि यहाँ पे आदमी जैसा वहाँ पे सिक्स था उसके फोर में काउंट कर लाओ, ओनली यहाँ पे जो फोर वाला है वही यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। सो गाइस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने तीन दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर आपको जरूर करना है वीडियो, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ से, अब बात करते हैं केकेआर की। केकेआर की तरफ से आपको फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, वरुण, हर्षित राणा, जो इसने यहाँ पे जो चुम्मा दे रहा था लास्ट मैच, ठीक है, मयंक अग्रवाल को, इतना बड़ा भी इसका कैरियर नहीं हुआ था कि जो मतलब इतनी यहाँ पे हरकतें कर रहा है, मिचेल स्टार्क, फिर यहाँ पे आंद्रेसल, फिर यहाँ पे रमनदीप सिंह। सो आज अगर देखते हैं, आज देखते हैं किसको देगा ये, ठीक है, सामने वहाँ पे विराट कोहली आपको रहेंगे, और अगर ये मैचअप हो जाए ना तो मतलब काफ़ी मज़ा नहीं आएगा, मतलब लफड़ा देखने में, ठीक है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये होना चाहिए, ठीक है, बाकी थोड़ा सा और यहाँ पे आनंद रहेगा। आईपीएल में बिना इन चीज़ों के ना मेरे को मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा सा एग्रेशन वगैरह रहना चाहिए दोनों तरफ से, बस फाइन वगैरह ना लगाएं। अब बात करते हैं फिल सॉल्ट की, तो लास्ट मैच है 54, इसने गए धागा खोल दिया था, 54 रन यहाँ पे मार के गए, और जितने इस बार ओवरसीज प्लेयर है ना, चाहे वो क्लासिन हो, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, ये सारे धागा खोलने वाले, आपको बता रहा हूँ। और स्पेशली जो ओपनिंग यहाँ पे जो टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, अभी एक नाम अभी फैफ ना थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो रहा है एक दो दिन से, लेकिन अभी दो ही मैच खेले उसने, तो आज का मैच और है, तो मेरे को लगता है आज ये धागा खोल सकता है। फिल सॉल्ट की बात करूँगा, इसको मस्ट पिक यहाँ पे लेके जाओगे। वेंकटेश अय्यर, ये आपको लास्ट मैच बोला था ड्रॉप करके जाओ, इस मैच में आपको ड्रॉप ही करके जाना है। अब यहाँ से बात आती है श्रेयस अय्यर की, तो दोस्तों श्रेयस अय्यर को ना परफॉर्म करना पड़ेगा, और आपको मैं बोल दूँ ये आज परफॉर्म करेगा। रीजन देखो क्या है, T20 वर्ल्ड कप सामने खड़ा है, ठीक है, और मैं आपको गाइस रेटेड बताऊँ नंबर चार पर, जो ये काम कर सकता है इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी आ जाए। जो श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में ODI वर्ल्ड कप में काम करा था ना, बहुत बेहतरीन था, और वो यहाँ पे जो BCCI का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें भी यहाँ पे डिजर्व करता था, बट नहीं हुआ उसका नाम, लेकिन ये प्लेयर मेरे को लगता है और ये इसको परफॉर्म करना चाहिए और करेगा भी। बात आती है नीतीश राणा की, सो इसने गाइस यहाँ पे एक क्लेम करा था कि मैं इस IPL सीजन में 600 प्लस यहाँ पे रन स्कोर करूंगा, अभी तक एक मैच हो गया, 9 रन इस फिलहाल अभी स्कोर करें, ठीक है, अब यहाँ पे देखना है इसके कितने रन और बचे, 591, तो नोट करते रहना, अभी यहाँ पर इसको परफॉर्म करना, अगर यहाँ पर अपनी बातों में सही रहेगा तो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज फिर ये समझो एक होता ना हमारा पाकिस्तान का प्लेयर आसिफ अली, जो बोलता था मैं 50 मारता हूँ, तो वही हाल इसका भी फिर रहेगा, फिर ये ट्रोल भी होगा बहुत गंदा वाला। बात करते हैं रिंकू सिंह की, अगर ये नंबर 5 पर आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, मैं आपको बोलूँगा मस्ट पिक यहाँ पे लेके जाओ, क्योंकि वहाँ से मेरे को यहाँ पे वेंकटेश अय्यर फ्लॉप नज़र आ रहा है, नीतीश राणा फ्लॉप है, ठीक है, वहाँ पर ओनली श्रेयस अय्यर फिल सॉल्ट स्कोर कर रहे हैं, इसकी बैटिंग बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट मैच क्या था, नारायण यहाँ पे ओपन आया था, लेकिन आपको बता दूंगा इस नारायण ओपन आने का ऐसा चौंकना मत, आपको जब याद होगा जब गंभीर था ना KKR में, तब वहाँ पर कोई ओपन करा करता था, ठीक है, उन्होंने वही वहाँ पे यहाँ पे स्ट्रेटजी लगाई, लेकिन अब वो नारायण नहीं है पुराना वाला, ये बहुत ज़्यादा बदल चुका है, ठीक है, यहाँ पर कोई फ्लॉप ही होगा, ये बस मारेगा बॉल हवा में जाएगी और वहाँ पे कैच आउट होके आ जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो मेरे को लगता है अब इनको अपने जो ओपनिंग ऑर्डर है उसको चेंज नहीं करना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब बात आती है फिर यहाँ से रमनदीप सिंह, ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको आंद्रेसल, रमनदीप सिंह को मैं ड्रॉप ही करके जाऊँगा, भले ही लास्ट मैच रन स्कोर करके गया, लेकिन आंद्रेसल, तो दोस्तों आप देख लो लास्ट मैच 64 रन नॉट आउट है, 2 विकेट निकाल के गया, इससे बढ़िया और कोई यहाँ पे अगर कैप्टन वाइस कैप्टन मिल जाए तो बताओ, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि इसकी बैटिंग हो सकता है ना भी आए,
क्योंकि कई बार होता है कि यार रिंकू सिंह तक यहाँ पे बैटिंग समझ जाए और इसके वहाँ पर तक आउट ही ना हो पाए। आरसीबी है, उनकी बॉलिंग आप सभी लोगों को पता है, सो थोड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन आपको है ना ये डेथ में भी आपको बॉलिंग कराते लेके आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आंद्रे रसल के ऊपर अगर आप इसको ले रहे हो कैप्टनसी का तो बहुत अच्छा है और सभी लोग लेके आएंगे। मिचेल स्टार्क की बात करूँगा, 24 करोड़ का बॉलर था, 50+ वहाँ पर स्कोर करके गया पहले मैच में, ठीक है। सो इसके बाद ऐसा नहीं यहाँ पे ड्रॉप कर देना है इसको, ठीक है, आप मस्ट यहाँ पे लेके जाओगे, अच्छा बॉलर वहाँ पे डैश में विकेट निकाल सकता है। बात करते हैं राणा की, भले यहाँ पे इसने बॉलिंग अच्छी कराई हो लेकिन जो सीन था ना वहाँ पर को बस एक तरफ से आया, मयंक अग्रवाल की तरफ से भी आना चाहिए था, मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ। हर्षित राणा एक अच्छा बॉलर, डैश में आपको बॉलिंग कराते हुए नजर आ रहा है, एबिलिटी की बात करूँ तो आपको विकेट टेकिंग बॉलर है। वरुण चक्रवर्ती की बात करूँगा तो इसको पता है मैं कब बैक करूँगा, जब यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पिन हो रही है पिच, उसी हिसाब से मैं बैक करने वाला हूँ, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो आपको इंपैक्ट पे आपको नजर आएंगे वैभव अरोड़ा, मनीष पांडे, सुयास शर्मा, मनीष पांडे को इंपैक्ट में यहाँ पे ला सकते हैं। गुरबाज को कब लाएंगे, जब आपके पास ओनली 3 ओवरसीज हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो अब हमारी आपको यहाँ पे नजर आती है टीम्स, टीम में देखो हमारे पास क्या है, सॉल्ट, विराट कोहली, फैब डु प्लेसिस, नारायण, मैक्सवेल आंद्रेसन, कैमरन विन, अल्जारी जोसफ, सिराज और यहाँ पे स्टार्क हैं और चक्रवर्ती, चक्रवर्ती की जगह पे आप हर्षित राणा को बैक कर लेना, ठीक है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच।